क्लास सिक्स के स्टूडेंट ध्यान दें, जैसा कि आप पढ़ रहे थे गेम्स ऑफ चांस चैप्टर, इसमें आप पैराग्राफ नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट कर रहा हूँ पैराग्राफ 8 से। पैराग्राफ 8 से देखें, कह रहा आई हैड होप ऑफ विनिंग ए बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। मुझे उम्मीद थी कि मैं बहुत बड़ा इनाम जीत सकता हूँ और इसी उम्मीद में मैं बार बार अपने भाग को आजमा रहा था। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, हर बार 50 पैसे देता था, बट एवरी टाइम आई गॉट ए ट्रिपल्स, और हर बार मुझे बहुत कम कीमत की वस्तु मिलती थी। ट्रिपल मने बहुत कम, लिटिल वैल्यू, बहुत कम कीमत की, तो मुझे हर बार कम कीमत की वस्तु ही मिल पाती थी। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे, अंत में मेरे पास केवल 25 पैसे ही बच पाए थे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, दुकानदार फिर मुझ पर दया दिखाया। ही सेड आई कुड आइदर प्ले वन मोर विथ 25 पैसे आर सेटल अकाउंट देन एंड देयर। तो उसने कहा कि मैं 25 पैसे से ही एक बार और खेल सकता हूँ और नहीं तो मुझे पूरी अकाउंट बंद करना पड़ेगा। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपीयर्ड, और मैं दोबारा खेला और अंतिम जो 25 पैसे थे वो भी गायब हो गया। पीपल वेयर लुकिंग एट मी, लोग मुझे देख रहे थे। सम वेयर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ लोग मेरे दुर्भाग्य पर हंस रहे थे। बट नॉन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। भैया और मैं दोनों लोग फिर उसी जगह पर चले गए थे जहाँ पर चाचा हम लोगों को छोड़कर गए थे, और हम लोग उनकी आने का इंतज़ार करने लगे। प्रेजेंटली कैम, तत्काल फिर आ गए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड, वह मुझे देखे और कहे, रशीद यू लुक अपसेट, तुम बहुत हैरान दिखते हो, परेशान दिखते हो। व्हाट इज मैटर, क्या बात है। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, लेकिन भैया ने बता दिया कि कौन सी घटना घटी है। अंकल वाज नाइदर एंग्री नॉर सैड, चाचा न तो नाराजी हुए थे और नहीं उतना दुखी दिखे। ही स्माइल्ड एट एंड पेटेड मी, वह मुस्कराए और मेरे पीठ पर थपथपाया। ही टुक मी टू ए शॉप, और मुझे वो दुकान पर ले गए। एंड बॉट मी ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, और मेरे लिए एक सुंदर छाता खरीदा। बिस्कुट्स खरीदा एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट, मिठाइयाँ खरीदी, बिस्कुट खरीदा और छोटे छोटे गिफ्ट खरीदे। देन वी रिटर्न होम, तब हम लोग घर वापस आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट लकी शॉप मैन हैड मेड ए फूल ऑफ मी। बैक होम अंकल टोल्ड मी, जब घर पर हम लोग वापस आ रहे थे तो चाचा ने मुझसे बताया कि ये लकी साहब के आदमी ने मूर्ख बना दिया है मुझे। नो अंकल आई सेड, मैंने कहा, नहीं अंकल, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, मेरा दुर्भाग्य था। तो अंकल ने कहा, अंकल सेड, नो माई बॉय, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक, न सौभाग्य था और नहीं दुर्भाग्य था। बट अंकल आई सेड, लेकिन मैंने कहा, चाचा जी, आई सा एन ओल्ड मैन गेटिंग ए क्लॉक एंड ए बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स, लेकिन मैंने देखा कि एक आदमी जो है, बूढ़ा आदमी, एक घड़ी ले गया और एक लड़का जो है 2-3 बहुत कम कीमती वस्तुओं को ले गया। तो उन्होंने कहा, यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, चाचा ने कहा, बच्चे तुम नहीं जानते हो। दे वेयर ऑल फ्रेंड्स ऑफ शॉपकीपर, वे सब दुकानदार के दोस्त थे। दे वेयर प्लेइंग ट्रिक टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, वह तुम्हारे ऊपर
ट्रिक खेल रहे थे, चाल खेल रहे थे कि तुम अपना भाग आजमाओ, तुम्हें आकर्षित कर रहे थे। दे वॉन्टेड योर मनी, वे तुम्हारे पैसे चाहते थे। एंड दे गॉट इट, और वे पा गए। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब तुम इन सब बातों को भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबॉडी इन योर बैड लक और योर फुलनेस, और अब किसी से भी तुम अपने दुर्भाग्य या मूर्खता की बात मत बताओ। इस तरह से गेम ऑफ चांस कंप्लीट हुआ। इस पूरे चैप्टर को दोहराइए हिंदी इंग्लिश।